Hello students, today we will discuss about the fundamental units of life known as the cell, part 3rd for 9 classes. First is, what are living organisms made up of? Living organisms kya cheez se milkar bane hote hain? Here, all living organisms are made of the cells. Here, we see all the living and non-living things made of the matter. Matter is made of the many molecules and cell is made of the union of many molecules. Tissue is made of the union of many cells and organ are made of the many tissue and organ system is made of the many organs and organism is made of the union of many organ system. So living organism is made up. So here an experiment to demonstrate that onion bulb. एक onion bulb को हम लोग लेते हैं, इनके outer part को जिसे हम लोग epidermis के रूप में या scale या pili के रूप में जानते हैं, हटाते हैं उसको, fleshy part को हम लोग band करते हैं, इसको बीच से cutting करेंगे. कटिंग करने के बाद छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट टुकड़ों को हम लोग डिसेक्शन करेंगे और डिसेक्शन करने के बाद डिसेक्शन करने के लिए हम लोग इसमें हम लोग रेजर का प्रयोग करते हैं. तो इनके एक सिंगल सिंगल छोटे छोटे पार्ट को ये व्हाइट ट्रांसपेरेंट लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होते हैं लेकिन वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, व्हाइट पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो इनके सबसे छोटे पार्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको फोर्सेप की मदद से या कैमलिन ब्रश की मदद से हम लोग इसको बाच ग्लास में रखते हैं. इसका नाम है पैट्रिक डिश, प्लास्टिक का शीशे का भी होते हैं. तो पैट्रिक डिश में वाटर डाल देते हैं और जो ओनियन पील जो हम लोग प्राप्त किए थे उसको हम लोग इसी में डिप करते हैं ताकि वाटर को वो एब्जॉर्ब करे, हेल्दी रह सके और ब्रेक डाउन नहीं हो, डैमेज नहीं हो. इसके बाद हम लोग एक ये बाज ग्लास है, शीशे का बाज ग्लास है, इसमें भी वाटर रख सकते हैं लेकिन ये बड़ा है हमारा एप्रेटस. इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि इसमें एक पेट्रिक डिश लिए थे, पेंटिंग ब्रश मैंने आपको दिखा दिया और एक स्लाइड मैंने बनाया है ये जिसको हम लोग ग्लास स्लाइड के रूप में भी जानते हैं. ये देख सकते हैं ये एक ग्लास स्लाइड है, ये एक ग्लास स्लाइड है ये, और इसको ओनियन पील के छिलके को मैं इसमें से निकाल लिया सिंपल पार्ट के रूप में, ऐसा मैं दिखा रहा हूं. ये छोटे से पार्ट के रूप में है ये, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा फैलाते हैं और फैलाने के बाद इस पर सेफ्रेनिन डालते हैं. मैं इसको किया हूं अभी करके मैं आपको दिखाऊंगा, टाइम टेकअप जरा ज्यादा होगा इसलिए क्या करेंगे इस पर सेफ्रेनिन को लेते हैं. देखिए ये लिखा हुआ भी सेफ्रेनिन स्टेनिंग एक्वस सॉल्यूशन, तो ये पिंक कलर के होते हैं ये. तो इस पर हम लोग जब स्पेसिस को स्पेसिमेंस को इस पर हम लोग रखे तो स्पेसिमेंस रखने के बाद सेफ्रेनिन को ड्रॉप की मदद से एक बूंद हम लोग डाले तो इसका कलर क्या हुआ, पिंक कलर हो गया. फिर इस पर क्या करेंगे, निडिल की मदद से, ये हमारा निडिल है, निडिल की मदद से ग्लिसरीन को हम लोग डालते हैं एक बूंद से भी कम मात्रा में ताकि वो वायली हो जाए. और एक कवर स्लिप को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको हम लोग कवर स्लिप के नाम से जानते हैं. ये हमारा कवर स्लिप है. कवर स्लिप दो टाइप के होते हैं, एक स्क्वायर भी होता है और राउंड शेप में होते हैं, टेम्प्रेरी और परमानेंट स्लाइड भी बनाने के काम आते हैं. तो इसको ऊपर में हमने अभी लगाया है, फिर मैं इसको आपको दिखाता हूँ टैक्टिस कैसे इसको लगाते हैं. देखिए वायली वायली हो गया ये इसके सरफेस, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे रखते हैं और रख कर थोड़ा सा बैंड करते हैं और बैंड करने के बाद इसको इस प्रकार लिड ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं इसको ताकि एयर बबल वगैरह इससे निकल जाए. फिर माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में इसे हम लोग सेट करते हैं. तो सेट करने के बाद
इनका स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार प्राप्त होता है और कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमारा एक सिंगल पार्ट था हमारा कंपार्टमेंट, जिसको रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। ये सिंगल सिंगल पार्ट जो देख रहे हैं, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग सेल बोलते हैं। तो ये आउटर पार्ट जो है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन के रूप में जाना जाता है, और इसी के अंदर में राउंड जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है डेल, इसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस है, और इसी के बीच में सेल के पास में ही ये साइटोप्लाज्म होते हैं, जेली फ्लूडी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारा इसके बीच में जो खाली स्थान होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, इसे हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता मेड ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, वेन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर मेड देन प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन बाय अकॉर्डिंग टू द जेई प्रकरण। जी सेल मेम्ब्रेन, हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल होता है, सिलेक्टिव परमेबल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट इस एक्सपेरिमेंट को मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर करके दिखाऊंगा, अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा प्लांट और एनिमल सेल के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाऊंगा और फिर आप सीखेंगे इसे। नेक्स्ट आइए हम लोग सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में सेलुलर कंपोजिशन क्या होता, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बने होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, विभिन्न विभिन्न ऑर्गेनिज्म में सेल की संख्या जो उपस्थित होती है उसके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया, टू ग्रुप्स में टू टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनि मीन सिंगल ऑर्गेनिज्म, हैविंग सिंगल सेल। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच बॉडी इज मेड ऑफ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूगुलिना, क्लेमाइडोमोनस, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एटीसी। नेक्स्ट ए मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मेनी ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच बॉडी इज मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज मल्टी सेलुलर, हैविंग मेनी सेल, एग्जांपल फंगी, राइजोपस और मोल्ड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाइड्रा, पोलिनेलिया, ह्यूमन बींग। एंड नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर वन, ए सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के द्वारा संपूर्ण ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। मल्टीसेलुलर में आते हैं द मल्टीपल सेल्स आर ग्रुप टूगेदर ए सिंगल सेल, मल्टीपल सेल जो होते हैं सिंगल सेल का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा फॉर्मेशन होते हैं, विच एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को सहयोग की मदद से करते हैं। सेकेंड, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर इन प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाट इट मे बी सीन विथ द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कहा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन मतलब बंटवारा, लेबर मतलब काम का बंटवारा, तो ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विच डोंट हैव डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स पुअर डेवलपमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सिंगल ऑर्गन परफॉर्म मेनी फंक्शन लाइक द अमीबा, फूड कंट्रैक्टाइल फैगस ऑल्सो डू वर्क एज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, डिस्पायरेशन टीसी। नेक्स्ट इज ऑल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द मल्टीसेलुलर बॉडी सो दैट देयर इज वेल डेवलप्ड डिवीजन ऑफ लेबर विद इन ए सिंगल सेल एज वेल एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वेल डेवलप्ड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स ए स्पेशल और पार्टिकुलर ऑर्गन परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, सो यूनियन ऑफ मेनी सेल्स मेड ऑफ मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज नोन एज द प्लांट एंड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूगुलिना, क्लेमाइडोमोनस, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, एनाबेना, नॉस्टक एटीसी। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल फंगी, मोल्ड, राइजोपस,
plants, animals, hydra, planaria, dog, monkey, human being, etc. क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रॉपर्टी, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम लोग नाखून को, बियर्ड्स को, मुस्टा को कटिंग करते हैं, हेयर को रिमूव करते हैं, तो आफ्टर सम डेज दे विल आल्सो ग्रोन। क्या होता है इसमें सेल के अंदर में, टिश्यू के अंदर में डिवाइड करने की पोटेंसी होती है, जिसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी। सो थैंक यू। Next video will be a start in part 4. Thanks.